भूल गई डैड, मुझे ही देने थे पैसे, सदके के पैसे देने थे मुझे। सदके के? ये जो आज तुमने हरकत की है मेरे डैड को कॉल करने की, आइंदा तुमने ऐसा कुछ भी किया ना, मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा। क्या सोच रही थी? कुछ नहीं। पेटी भी मानती है और छुपाती भी है। सच बताएं, उल्फत के बारे में सोच रही थी ना? हाँ, मैं अपनी खोई हुई बेटी के बारे में सोच रही थी, जो पता नहीं किन भूल भुलाइयों में गुम हो गई और ऐसी गुम हुई है कि खुद को भी खो बैठी है। उन्हें वो जिंदगी जीना चाहती है, जीने दे उसे। लेकिन तन्हा रह के तो जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती ना बेटा। आप तन्हा कैसे हो? मैं हूं ना आपके साथ। जीती रहो मेरी बच्ची, खुश रहो। मैं जानती हूँ आप अपना घर, अपना मोहल्ला, वहाँ के सारे लोगों को बहुत याद करती हैं ना। बेटा, ये उम्र तो बस यादों के सहारे जी जाती है। हाँ तो किसी काम के रहते नहीं हम लोग, बस माजी को याद करके दिल बहला लेते हैं। और दिल का क्या है बेटा, दिल तो लगाना पड़ता है ना, जो मैं लगाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ। दिल के साथ जबरदस्ती भी तो नहीं की जा सकती, वरना बगावत कर देता है। तो खाना थोड़ा सा पैक करा लेती, सब जाया होगा। क्या हो गया शाहान, खाना पैक कराना सो ओवररेटेड। कुछ याद आया उल्फत? हाँ शाहान, तुम्हें याद है ना मेरी कब से आरजू है कि मैं ये ले लूं। वाकई? तुम कहो तो आज ही मंगवा लूं ये। सचान, तुम सच में मुझे ये गाड़ी ला दोगे? गाड़ी? हाँ। तुम क्या समझे? कुछ नहीं। चलो हमारी गाड़ी आ गई। लेकिन अब तो दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश बाकी रह गई कि जब ये दिल काम करना बंद कर दे तो मैं अपने ही घर के आंगन में हूं। कैसी बातें कर रही हैं? ख्वाहिश बता रही हूं बेटा, पता नहीं पूरी होती है या नहीं, लेकिन ये आंगन कुछ पराया सा लगता है मुझे। तो शाहान से कह दे कि मुझे मेरे अपने घर छोड़ा है, वो घर जहाँ उसका बचपन और मेरी जवानी बुढ़ापे में बदल गई। उल्फत की खुशी के लिए मैं यहाँ आई थी, लेकिन वो तो मुझे कोने में डाल के पता नहीं कहाँ गुम हो गई। तू कहेगी ना शाहान से? बात करूंगी। प्यारी बेटी है मेरी, बहुत प्यारी। नाराज हो? नहीं। कोई बात बुरी लगी है? नहीं, मुझे क्या बुरा लगेगा। यही कि मैंने तुम्हारी बात इग्नोर की। अच्छा, यानी तुम्हें एहसास है? क्यों, क्या कहना चाहते हैं आप, कि मैं बेहिस हूं या मुझे चीजों का एहसास नहीं है? नहीं जीवन, ऐसा कुछ नहीं कहा। कह नहीं रहे लेकिन जता तो रहे हो ना। वैसे मैं नोट कर रही हूँ, जब से तुम बाहर आए हो मेरे साथ कुछ ज्यादा खुश नहीं दिखाई दे रहे हो। मेरा मतलब है कि ना तुमने ठीक से खाना खाया
खाना खाने के दौरान कोई बात की और तो मेरी तारीफ तक नहीं की। पूछ सकती हूँ कि साथ आना पसंद नहीं आया या साथ पसंद नहीं आया? क्या हुआ? मसला क्या तुम? जब मैंने कहा मैं नाराज नहीं तो क्यों पीछे पड़ी हो फिर? और अगर मैंने नहीं आना होता तो मैं मना कर देता, लेकिन इस तरह आना मैंने वाकई तसव्वुर भी नहीं किया। अच्छा, तो फिर क्या सोच के आए थे? तुम नहीं जानती, तुम नहीं जानती उल्फत, कि मुझे मुझे कभी भी इन बड़े बड़े होटलों में जाने का शौक नहीं था, ना है और ना कभी रहेगा। मुझे तो वहां जाना अच्छा लगता है उल्फत, जहां हम खाली जेब होते हुए भी एंजॉय करते हैं, एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं यार, एक दूसरे के लिए काफी होते हैं, और जहां जाने के लिए तो मेरे लिए तैयार होते हो, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। आप जानते भी आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं तो जानता मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन तुम शायद समझ नहीं पाओगे, क्योंकि सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारी सोच तक आर्टिफिशियल हो चुकी है उल्फत। सब कुछ बदल गया तुम्हारे बारे में, सब बदल दिया है तुमने, यहां तक कि मुझे भी बदल दिया है और मेरी मोहब्बत को भी। तुम इल्जाम लगा रहे हो मुझ पे। मैं तुम्हारी कमी को महसूस कर रहा हूं यार, क्योंकि तुम मेरे साथ होते हुए भी मेरे साथ नहीं हो, तुम गुम हो चुकी हो कहीं अपने ही अंदर, गुम हो चुकी हो अपनी अपनी ख्वाहिशात में। बेच खुशियाँ खरीद लाए गम, छोड़ के तुमको याद आए तुम, क्या मैं दुनिया का करूँ तू जो मेरा न रहा, भूलूं मैं फैसला कर लिया, जा मोहब्बत तुझे अलविदा कर दिया, जा मोहब्बत तुझे अलविदा कर दिया, अलविदा कर दिया। बचपन से लगता था कि मेरा पार्टनर तो सबसे अलग है। देखो तो कितनी अच्छी तरह से मुझे जानता है, मेरी रूह तक को पहचानता है, लेकिन नहीं, शायद मैं गलत थी, तुम भी आम मर्दों जैसे ही निकले। जो औरत की जरा सी तवज्जो हटने पे वो अबीला मचा देते हैं। अगर सच कहा जाए तो मोहब्बत तो तुम्हारी बटी है शान। मेरी मोहब्बत बटी है? हाँ, मैंने तो शोर नहीं मचाया, कोई शिकायत नहीं की, कोई वावेला नहीं मचाया, और तुम, तुम्हें मेरी इतनी सी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई, दावा करते हैं मोहब्बत होने का। सच बताऊ ना तो बहुत खोखली मोहब्बत है तुम्हारी। उल्फत, इसके आगे कुछ और मत कहना, और खबरदार जो तुमने मुझ पर बेवफाई का इल्जाम लगाया, मैं नहीं लेकर आया था उसे, तुम लेकर आई हो उसे। ये तोहफा तुम्हारा दिया हुआ है, ये जिम्मेदारी तुमने लाकर डाली मेरे सर पे, उसकी हमदर्दी का बोझ तुमने लाकर डाला है हमारे ऊपर, जिसको मैं निभाता फिर रहा हूं। क्या
मेरी हमदर्दी निभा रहे हैं, मेरी हमदर्दी? अरे किससे झूठ बोल रहे हैं? मुझसे ही, अपने आप से? मोहब्बत की है तो कबूल भी कीजिए ना, झांक के देखिए अपने दिल के अंदर, जहां मेरी इतनी सी भी जगह बाकी नहीं है। किसकी वजह से? आपकी उस दूसरी मोहब्बत की वजह से। उल्फत! बस, आवाज ऊंची करने से सच दब नहीं जाता। मुझे घर छोड़ दो, नहीं तो मैं पैदल चली जाऊंगी। आई थिंक तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं ये कर सकती हूँ। बचपन से लगता था कि मेरा पार्टनर तो सबसे अलग है, ये अच्छी तरह से मुझे जानता है, मेरी रूह तक को पहचानता है। शायद मैं गलत थी, तुम भी आम मर्द जैसे ही निकले। मोहब्बत तो तुम्हारी बटी है शाहान, मैंने तो शोर नहीं मचाया, कोई शिकायत नहीं की, कोई वावेला नहीं मचाया, और तुम्हें मेरी इतनी सी खुशी बर्दाश्त है? सच बताओ ना, बहुत खोखली मोहब्बत है तुम्हारी। शाहान, शफक प्लीज, ये सब मुझे तन्हा छोड़ दो। हाथ इसलिए तो नहीं थामा था ना कि ऐसे ही तना छोड़ दो? क्या झगड़ा हो गया? जब शिकायत बढ़ जाए ना तो फिर झगड़े नहीं होते, रिश्ते में इख्तलाफात आ जाते हैं और इख्तलाफात रिश्ते को कमजोर कर देते हैं, फिर उसमें ना उम्मीद रहती है ना ही ख्वाहिश, सिर्फ एक डर रह जाता है कि कब ये रिश्ता टूट जाएगा, बिखर जाएगा, खत्म हो जाएगा। उल्फत, उल्फत मेरी दुआ मांगी हुई जिंदगी है शफक, और अब वो मेरी आंखों के सामने मुझसे दूर जा रही है। वो जो मेरी आंखों का इशारा समझ लेती थी, अब उसकी मेरे लफ्ज भी मेहमानी हो चुके हैं। मैं क्या करूं शफक, क्या करूं मैं? आप जिस मोहब्बत का बता रहे हैं उसी मोहब्बत से समझाए उसे, समझ जाएगी। मोहब्बत, अब तो ये लफ्ज एक धोखे का एहसास दिलाता है मुझे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि मुझे मोहब्बत मिल रही है या उससे लिपटी हुई नफरत हासिल कर रहा हूं। मेरी तरफ देखो शफक, गौर से देखो मेरी तरफ, मैं तो वो शाहान भी नहीं रहा, वो उल्फत नहीं है, और
तुम तो धोखा खा के शफक मोहब्बत के सहरा में निकल आई जहां तुम्हारा मुकद्दस सिर्फ प्यास। I'm sorry, शफक, मैं तुम्हें वो मकाम नहीं दे पाया, मैं तुम्हें वो इज्जत नहीं दे पाया, क्योंकि क्योंकि मैं तो एक बटा हुआ इंसान हूँ और एक बटा हुआ इंसान किसी को क्या दे सकता। मैं नाकाम हूँ शफक। नहीं नहीं ऐसा नहीं है शफक। देखो मुझे दिलासा मत दो, उससे और तकलीफ होती है। मैंने तुम्हें भी रुला दिया। I'm sorry, शफक, I'm so sorry. तुम बहुत अच्छी हो, तुम मोहब्बत के लायक हो, तुम डिजर्व करती हो मोहब्बत, लेकिन मैं तुम्हारे काबिल नहीं। शफक, I'm sorry. शफक, please. बस शफक, बस मैं चाहता हूँ ये रात किसी तरह खत्म हो जाए यार। तुम प्लीज जाके सो जाओ, मैं जा रहा हूँ। शाहान, आपकी सिर्फ खुशी के साथ ही तो नहीं होना। मैं शाहान जैसा भी लम्हा हो मेरे साथ गुजारने का वादा किया है, और इस तरह आपको छोड़कर तो मुझे भी रात को नहीं आएगी। सोच कर गया था और खाली हाथ लौटा हूं। खाली हाथ लौटने का मतलब जानती हो? बिल्कुल ऐसे जैसे वजूद में से रूह को खींच लिया गया हो, बेजान और सर्द। मेरे और उल्फत के रिश्ते की तरह सारे रिश्तों में जान कैसे डालते हैं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ अगर आप मेरे प्यार को इतनी अहमियत देते। क्या कहना चाहती हो शफक? खुद को साधना चाहती हूँ आपके साथ, वही जो आपके दिल की ख्वाहिश है। वो लम्हे जो आप उल्फत के साथ गुजारा करते थे मैं भी जीना चाहती हूँ। आपके चेहरे पे वही खुशी वही हंसी देखना चाहती हूँ जो उल्फत के साथ बाइक पे बैठ कर आया करते थे। लेकिन कैसे मुमकिन? मुमकिन है अगर आप चाहें तो। मुझे भी इस खुशी का मजा चखना है ना शहर।
उल्फत में राज है। आप इसे मना लेंगे? मनाने का हुनर है आपको। अब चले, मेरे साथ चल दीजिए। नो वे, मैं कहीं नहीं जा रहा इस वक्त। यस, चल। नो शफक। यस। नो शफक। यस। चले। बहुत देर हो गई है, उल्फत आपका इंतजार कर रही होगी। आप चल। हाँ, जाना चाहिए। थैंक यू खूबसूरत लम्हों के लिए, इस मोहब्बत भरी शाम के लिए। जानती हो ना, आई लव यू। क्या यार, कब से दरवाजा पीट रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही तुम्हें? तो मैं क्या करूँ, बहुत जल्दी ख्याल आ गया वापस आने का। हटो सामने से। नहीं हटूंगी। उल्फत, क्या है, मुझे अंदर आने दो। नहीं, अगर तुम्हें ऐसे करना है ना, तो मैं बात नहीं करूंगा तुमसे। ना करो। प्लीज हटो सामने से, मुझे नींद आ रही है। मैं नहीं हटूंगी। उल्फत, अब दरवाजा नॉक नहीं करना, वरना वो तमाशा करूंगी कि पूरा घर देखेगा।
क्यों सोया हुआ है? अम्मा, हाँ नहीं बस कुछ नहीं, वैसे ही। वैसे ही क्या? दोनों से झगड़ा हो गया? नहीं झगड़ा नहीं हुआ, बस चले ना नाश्ते के लिए चलते हैं। नहीं तो देख इधर क्या है? अम्मा से भी छुपाएगा? हाँ तेरा चेहरा देख के पढ़ सकती हूँ मैं, क्या हुआ बता? पता नहीं अम्मा, मुझे लगता है मैं थक रहा हूँ इन रिश्तों को संभालते संभालते। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन रिश्तों की डोर मेरे हाथ से छूटती जा रही है। देख शान, तुझे पता है कोई रिश्ता कब कमजोर होता है? जब उसको हम अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं चाहा, मैंने कोई शर्त नहीं रखी। तू चाहता तो यही है लेकिन कहता नहीं है। देख, तुझे पहले कभी उल्फत से कोई शिकायत नहीं हुई जब तक कि वो वैसी रही जैसा तू चाहता था। लेकिन जैसे उसने अपने हालात के मुताबिक खुद को नए सिरे से ढाला अपने हिसाब से, तुझे लगने लगा कि वो वैसी नहीं रही जैसा तू सोचता था और जैसा तू चाहता था। तो बेटा ये शर्त ही हुई ना। अम्मा, मैं तो सिर्फ वो करने की कोशिश कर रहा हूँ जो जो सब मुझसे चाहते हैं। हर एक की चाहत का दम भरा था मैं तो, और ऐसा लग रहा है कि दम भरते भरते मेरा अपना ही दम घुटता जा रहा है। जान, वैसे तो मेरा भी यहाँ बहुत दम घुटता है। तू एक काम कर, तू मुझे वहां मेरे पुराने घर में छोड़ दे, मैं वहां रह लूंगी, मुझसे यहाँ नहीं रहा जाता। मुझे लग रहा है अम्मा कि हमें हमें अपने घर वापस जाना ही पड़ेगा। सच्ची? हाय ईमान से सच बता। हाय हाय शकुरन, तेरी जान की कसम, भला मैं तुझसे क्यों झूठ बोलने लगी? अरे उल्फत की शक्ल तो देखने वाली थी भाई, अब उसे पता चलेगा कि किसी का दिल दुखाना कैसा होता है। याद है तुझे हमारे बच्चों का कैसा मजाक उड़ाती थी? अब अपना एक बच्चा तो इससे पल नहीं रहा है। सही कहा नूरी, बोलने वाले का कुछ नहीं जाता, सुनने वाले के दिल पर कयामत गुजरती है। अरे शकुरन तो फिकर ही नहीं कर, अब इस घर में ना बड़ी से बड़ी कयामत गुजरेगी और कयामत की हर घड़ी इतनी भारी होगी कि उसके बोझ तले तेरी प्यारी सहेली सिसकियां लेती रहेगी, सांस नहीं रुकेगी उसकी। तौबा कर नूरी, ऐसी बदफाले मुंह से निकालती है तू। ये याद रख कि उल्फत हमारी दोस्त है, और ये ना भूल कि तू उसके टुकड़ों पर पल रही है। अरे तुझे क्या लग रहा है मैं यहाँ पे उसकी चाकरी करने के लिए आई हूँ? और तो कुछ नजर नहीं आता। अरे बेवकूफ औरत, मैं तो उसका गुरूर टूटता हुआ देखना चाहती हूँ, उसकी बर्बादी का मंजर देखूंगी। क्या वो बर्बाद होगी और मैं उसे बर्बाद होता हुआ देखती रहूंगी? ना नूरी ना, किसी का बुरा नहीं चाहते। अरे जो चुप कर, तभी तो तू रात दिन अपने मियां से जूता खाती रहती है, जूते की नोक पर रखता तुझे। आना, तू तो बड़ी शहजादियों की तरह रहती है ना घर में, जैसे मैं तो जानती नहीं रशीद भाई को। जब वो मारता है ना तुझे तो ना गली देखता है ना चौक। बड़ी बातें कर रही है, और उसका हाथ तेरी मोहब्बत में नहीं उन रुपयों की वजह से रुका है जो तू उसके मुंह पर मारती है, और मुझे बातें सुना रही है। शकुरा ना, अगर तूने एक लफ्ज भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये धमकी ना किसी और को देना, मेरा नाम है शकुरन, किसी की बकवास नहीं सुनती। और एक लफ्ज कहा ना तो अरे चल जा। बड़ी तोते की तरह बोल रही है, इसकी बोलती ना मैं मिलके बंद करती हूँ। जानते हो ना, तुम्हारे बाप को पता लगेगा इतनी पिटाई करेगा तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी।
पहले बता देना चाहिए, हाथ होती है भाई। अभी बताती हूँ तुम्हारे अब्बा को, आके जब तुम्हारा दिमाग सीधा करेंगे ना, फिर पता लगेगा कैसे रहते हैं स्कूल में। अभी फोन करती हूँ ना तुम्हारे बाप को, वो आके अब तुम्हारा सर फाड़ेगा। मामा प्लीज बाबा को मत बताइएगा, वो मुझे बहुत डांटेंगे। मामा प्लीज मत बताइएगा। ठीक है फिर मैं जो कहूंगी वो तुम करोगे। हाँ सब मानूंगा और कोई शरारत भी नहीं करूंगा। तो अपने कान पकड़ो, सॉरी करो मुझसे, और ये वादा करो कि आज के बाद ऐसा नहीं करोगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ आइंदा कोई शरारत नहीं करूंगा, दिल लगाकर पढ़ाई करूंगा। अगर आप कहें तो मैं मुर्गा बन जाता हूँ। ठीक है बनो बनो मुर्गा, मुर्गा बनते नहीं मारिएगा मत, बन रहा हूँ मुर्गा। अच्छा हुआ तुमने खुद ही सजेशन दे दिया। जब शाम तक बैठोगे ना इस तरह से, फिर समझ आएगा कि स्कूल में पढ़ने जाते हैं। सीधा बिल्कुल आए बड़े बदतमीजी करने के लिए टीचर से। हदी 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 उठो उठो, क्या हो गया इरफान? बच्चा है, इस तरह का सुलूक, हालत देखो इसकी। बच्चा मेरा है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उसके साथ क्या सुलूक करना है। हाँ जब बच्चे बदतमीजी करते हैं तो उनको सजा मिलती है। और मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो मुदाखलत करने वाली इस बात में? लेकिन उल्फत बस बहुत हो गया, ज्यादा माँ बनने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ माँ इसकी, सुना तुमने, मैं भी माँ हूँ इसकी। मेरे सामने मेरे बेटे के साथ कोई ऐसा करे मैं भी नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो बीबी बस कर दो, मेरे शोहर पे कब्जा करके मेरी खुशियां तो छीन लिया तुमने, अपनी औलाद पे कब्जा नहीं करने दूंगी मैं। उल्फत प्लीज ये क्या, छोड़ो इसका हाथ, अपनी तमीज का पटारा लेके ना सीधियां से निकल जाओ फौरन, और जो बात कही है ना उस पे फोकस करो समझी। फौरन इंतजाम कर दो वरना कसम खा के कह रही हूँ खाली हाथ रह जाओगी। जिस दामन को मैंने खुशियों से भर दिया है ना, यू यू चुटकियों में खाली कर दूंगी समझी। खुशियां तो क्या जिंदगी भी नहीं संभाल पाओगे तुम समझी। चलो निकले यहां से, जाओ। ठीक है उल्फत मैं जा रही हूँ, लेकिन जो तुम कर रही हो ना ठीक नहीं कर रही। चलो चलो अच्छी तरह से जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। आई बड़ी मेरे बच्चे को मुझसे छीनेंगी। कश्यप की दास्तां सुना रहा है चेहरा जनाब का। लगता है कल रात लाउंज में गुजरी है। शर्म तो नहीं आ रही होगी तुझे हंसते हुए? अच्छा अच्छा सॉरी यार, कुछ तो पता हुआ क्या? क्या बताऊं यार, ऐसे लग रहा जैसे भंवर में फंस गया हूं। जितना मर्जी हाथ पांव मार लूं ना किनारा नजर आ रहा है ना ही निकलने का रास्ता। पुरसुकून थी यार जिंदगी, और मजीद पुरसुकून रहती अगर अगर वो प्राइस बॉन्ड ना निकलता। फांसी की फंदे की तरह अटक गया मेरे गले में। फांसी का फंदा क्या हो गया शाहान? इसी से तो लाइफस्टाइल बदला है। लाइफस्टाइल नहीं बदला मेरे दोस्त, उल्फत बदल गई। मेरी खुशी, उस घर की हंसी, सब स्टेटस में दफन हो गया यार। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा मंसूर। मेरी वो उल्फत जो जो छोटी छोटी चीजों में अपनी खुशियां अपना सुकून ढूंढती थी, अब वो सारी चीजें उसके लिए बेमानी हो गई है। जिसके लिए मेरा साथ ही सब कुछ होता था, अब मेरे होने पर भी कमी रहती है। उसके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं, वो पास होकर भी पास नहीं होती, साथ होकर भी साथ नहीं होती। और मैं तो जैसे उसके निशान ढूंढता रह गया था। इस तरह हिम्मत हारने से क्या होगा शाहान? बात कर उनसे, वो समझ जाएंगी। बात उससे की जाती है जो कुछ सुनना चाहता हो, वो तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। उसको इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उस घर में उसके अलावा कोई खुश ही नहीं है। बल्कि अब तो मुझे भी ये लगने लगा है कि मेरी शादी के पीछे उल्फत की शफक से मोहब्बत नहीं बल्कि उसका स्टेटस था। तू क्या कह रहा है शाहान?
बेटा।